दोनों चीज़ों का सफ़र एक साथ ही शुरू हुआ था, एक साथ ही चला, बहुत लंबे समय तक एक साथ चला, क्योंकि थिएटर मैं करता था, स्कूल में था तब से. सो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से मैं थिएटर में था, थिएटर करते ही रहते थे हम लोग स्कूल में भी. मैं सूरत इज़ माई होम टाउन, तो मैंने सूरत में डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक थिएटर किया. साथ साथ इंजीनियरिंग भी ऐसा पैशन था. सो मैं हमेशा हर एक इंटरव्यू में कहता हूँ कि मुझे मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पैशनेट कर देती हैं, एंड देन आई वांट टू डू दिस. सो दैट्स हाउ आई एक्सप्लोर्ड बोथ दिस फील्ड टुगेदर. ऐसा कोई एक दिन, कोई एक पल, कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद नहीं जब मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा. सो आई गेस आई हैव ग्रोन विद थिएटर, सेम एज हैपेंड विद इंजीनियरिंग. और दोनों चीज़ों में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लगा बॉम्बे इज़ दी ओनली प्लेस. सो दैट गॉट मी इन बॉम्बे इन 2004, और तब से मैंने कॉर्पोरेट में जॉब भी की है. सो अभी मेरी दो फिल्में रिलीज़ हुई, तब 2016 में मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम एक्टिंग में जाने का फैसला किया. सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन. और बॉम्बे में शायद ये दोनों चीज़ें साथ में की, इसलिए इतना लंबा टिक पाया. बाकी बाहर से आकर बॉम्बे में जगह बना के करना, इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि मुझे पता नहीं यार, मैंने ना कोई ऐसी एक्टिंग की बुक पढ़ी है, ना कभी कोई इंस्टीट्यूट में गया हूँ, पर बचपन से थिएटर कर रहा था, तो मुझे में शायद मैं दूसरा कोई रास्ता जानता ही नहीं था. और मुझे लगा कि ये एक ही ज़रिया ऐसा है जो कि मुझे एक एक्टर बनने में मदद करेगा. और मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि थिएटर ना एक्टर का अखाड़ा है, वहाँ जाके आप सारे दाव पे जान लो, तब जाके कोई भी फॉर्मेट हो, फिर चाहे वो वेब हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर का कोई फॉर्मेट हो, इवन रेडियो, इट हेल्प्स यू एवरीवेयर. सो आई गेस व्हाट आई हैव लर्नड इज जस्ट टू क्रिएट अ कैरेक्टर एंड नॉट एक्ट. देखिए अभी जिसने पहचान दी है उसको तो छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. और इनफैक्ट थिएटर में भी गुजराती से ही शुरुआत की थी, एंड थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव इन एनी केस. सो बट हाँ, ये भी बात है कि मैं बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में फिल्में करना चाहता हूँ. मेरा एक प्ले है मोहन्स मसाला जो मैं 3 भाषा में करता हूँ. सो वैसे ही मुझे बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को एक्सप्लोर करना है, बिकॉज हर एक लैंग्वेज का अलग ग्रामर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द लिटरल ग्रामर एज अ लैंग्वेज, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ऑल्सो. सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. बट हाँ, हिंदी बहुत बड़ा कैनवस है, नेशनल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाती है, इसलिए दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत इंटरेस्टिंग और वैसे थोड़ी फिल्मी लव स्टोरी थी जो मैंने कभी सोचा नहीं था होगी. मैं पृथ्वी फेस्टिवल में 2006 में परफॉर्म कर रहा था, और मेरा पहला नाटक था वो, पूरी टीम के साथ भी और पृथ्वी फेस्टिवल के लिए भी. एंड इट वाज अ साइलेंट प्ले, तो कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था. मुझसे डायरेक्टर ने पूछा था कि बिन एक्टिंग के अलावा और क्या कर सकते हो, जब पहली बार मिला था. मुझे लगा ऐसे ही यार, शायद सब लोग रैगिंग लेते होंगे, पर उन्होंने बहुत जेन्युइनली पूछा था. और मैंने बताया कि मैं बाकी तो इंजीनियर हूँ, जिसका आपको कोई यूज़ होगा नहीं. मैं डांस कर सकता हूँ, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है, तो थोड़ा बहुत एक्रोबेटिक्स करता था. तो इन्होंने बोला करके दिखाओ, और फिर बोला कि ये प्ले में तुम सेंटर स्टेज पे ये करोगे. अब तब कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या होने वाला है. जैसे ही उसका शो हुआ, नाटक में डायलॉग वायलॉग कुछ था नहीं. सो 45 मिनट्स तक आई एम डूइंग एक्रोबेटिक्स ऑन द स्टेज, एंड देयर वर 45 पीपल ऑन स्टेज. चल रहा था, और सडनली देन आई सॉ भामिनी सिटिंग ऑन इन द सेकेंड रो. तो वैसे तो फोर्थ वॉल ब्रेक करके सामने देखना अलाउड होता नहीं है, पर इस नाटक में मुझे एक्रोबेटिक्स के अलावा कुछ करना नहीं था. सो दैट्स हाउ आई सॉ हर. देन थ्रू अ कॉमन फ्रेंड आई अप्रोच्ड हर, और उसने भी 2 साल अरे आराम से मेरा मजा लिया. शी डिडंट पिक अप माई कॉल, शी डिडंट मीट मी. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 years, फर्स्ट टाइम वी मेट फॉर अ कॉफ़ी. और एक्चुअली ऐसा था कि दोनों में से किसी को कॉफ़ी पसंद नहीं थी. आज तो मैं फिर भी ऑर्डर कर सकता हूँ कॉफ़ी जो मुझे पसंद है शायद, तब तो नाम भी नहीं आता था. तो मैंने जैसे तैसे मेरे भाई को मोबाइल में मैसेज, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, तो मैसेज पे पूछ के कौन सी कॉफ़ी मंगाना, क्या करना करके. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड नाउ वी आर मैरिड. इट्स बीन 10 years दैट वी आर मैरिड नाउ. मुझे नहीं लगता इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मुझे आता नहीं है शायद. अगर ऐसा कोई दूसरा तरीका है तो पता नहीं, आगे कोई सिखा दे और सीख लूँ. पर मुझे लगता है कि जितना बैगेज कम रहेगा ना, उतना लाइट फील करूँगा, तो अच्छे से कैरेक्टर क्रिएट कर पाऊँगा. बाकी जितना काम होते जाता है, हम थिएटर में ना बहुत होता है ऐसा, एक अच्छे शो के बाद 15 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है. ऐसा हर एक 15 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन अगर लेके घूमने लगूँ तो दूसरा शो करना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. सो मुझे लगता है सारी तालियाँ, सारी भावाई, सब चीज़ों को वहीं रख के प्रणाम करके निकल जाना ही बेटर है. छोटा था तब से तो मेरे बहुत पुराने
गरबा जो थे वो मुझे अच्छे लगते थे, बट अभी रिसेंटली एफ आई से तो गोरी राधा ने काड़ो कान इज फेवरेट फ्रॉम लास्ट 4 years. भाखरी नशाक, दिस इज वॉट आई लाइक टू ईट. आई एम वेरी ऑर्थोडॉक्स इन माई फूड. बॉलीवुड में तो अभी दीपिका पादुकोण इज डूइंग रियली गुड, और गुजरात में मुझे बहुत कम हीरोइनों के साथ काम करने मिला है वैसे तो, बट आरो ही इज गुड. लवनी भवाई में वी हैड अ गुड टाइम. कि वो बहुत कम लोगों, वो उनके मुंह से शाबाश ऐसा वर्ड निकलता ही नहीं. दैट्स व्हाट आई केम टू नो थ्रू आयुष एंड वरीना बोथ, कि बहुत अगर अच्छा किसी ने कर लिया ना तब जाके बोलते कि अच्छा है, बाकी ज्यादा कुछ उनका एक्सप्रेशन आता नहीं है. देखो अभी जहाँ मम्मी होती है वहाँ वो सेम टेस्ट बनता है, बट सूरत इज बेस्ट फॉर गुजराती फूड यार, बहुत वैरायटी.